जिसमें साफ तौर पर रेप की पुष्टि हुई है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के डॉक्टर की मेडिको लीगल रिपोर्ट। पर अब 11 दिन के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट लेके कह रहे हैं कि साहब रेप नहीं हुआ। अरे जब 72 घंटे के बाद फॉरेंसिक नमूने का कोई मतलब नहीं है तो 11 दिन बाद लिए गए फॉरेंसिक नमूने से आप कैसे साबित कर सकते हैं रेप हुआ कि नहीं हुआ, तो उस मेडिको लीगल को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? तो इसलिए इस पूरे मामले को जब तक, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में नहीं जांच कराई जाएगी और किसी दूसरे के स्टेट के अंदर केस ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चलेगा, तब तक न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, मैंने कहा था 75 जिलों में कोरोना का घोटाला हुआ है, 28 जिलों का खुद इनकी SIT ने उजागर किया है। अभी इसकी जाँच और गहनता से होनी चाहिए। 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा गया, 800% कमीशन खाया गया। जब लोग कोरोना की महामारी से मर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े अफसर दलाली खा रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इसकी और जाँच करा के जिन लोगों ने घोटाला किया उन पर FIR करिए, उन पर उनको जेल डालिए और उनसे रिकवरी कीजिए। उन तीनों बिलों के अंदर एक शब्द भी MSP देंगे करके नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम MSP देंगे, लेकिन जब न्यायालय में कोई किसान जाएगा तो जज साहब पूछेंगे बिल में कहां लिखा है। वो ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने क्या भाषण दिया था या तोमर जी ने क्या भाषण दिया था। इसलिए पहली बात तो ये कि बिल में नहीं है, ये काला कानून है जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य देश के अंदर खत्म हो जाएगा, मंडियों का सिस्टम खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, इस बिल में असीमित भंडारण की छूट दी गई है। अब जौनपुर का कोई सामान्य किसान तो असीमित भंडारण कर नहीं सकता, वो तो अपना गेहूं चावल अनाज जाता है मंडी में बेच के उसको पैसा चाहिए। असीमित भंडारण करेंगे अडानी अंबानी टाटा बिरला बड़े बड़े पूंजीपति, यानी सस्ते दाम में आपसे अनाज खरीदेंगे, असीमित भंडारण करके उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखेंगे और जब बाजार में उसी चीज की कमी हो जाएगी, आलू की, प्याज की, गेहूं की, चावल की, दाल की, मक्के की, तो महंगे दामों में आपको बेचेंगे। यानी काला बाजारी, जमाखोरी और महंगाई को वैधानिक मान्यता, विधिक मान्यता ये कानून जो किसानों के खिलाफ लाया गया ये देता है। तीनों चीजों को ये लीगलाइज कर रहा है, इसको वैध घोषित कर रहा है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। निजीकरण के खिलाफ कल बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में हुआ। तो आप गोल्ड बेच देते हो, आप एयर इंडिया बेच देते हो, आप बैंकिंग सेक्टर बेच देते हो, आप इंश्योरेंस सेक्टर बेच देते हो, और तो और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस BPCL को महारत्ना की उपाधि दी, महारत्ना छोटा मोटा नहीं, महारत्ना की उपाधि दी, उस BPCL को भी आप बेच रहे मुनाफे की कमी। इसका मतलब देश बेच के घर का किवाड़ा ताप के